लॉकडाउन के बाद कई ऐसे परिवार हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन शहर की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन लोगों का रोजगार मुहैया करवाने के लिए उनके द्वारा बीड़ा उठाया गया है ताकि ये लोग कुछ कमा कर अपना घर चला सके। वुमेन सेल चाइल्ड वेलफेयर संस्था द्वारा इसकी पहल की गई। संस्था के ओनर पूजा बख्शी ने बताया कि इनसे मास्क सिलवाए जाते हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं। दिन के जैसे कि हमारे पास अभी 20 महिलाएं काम कर रही हैं, तो आप तकरीबन लगा लीजिए कि 100 की एवरेज लगा के चलें, तो रोज का उस हिसाब से आप देख लीजिए। और हमारा यही है कि इनको रोजगार मिले, लॉकडाउन की वजह से जो ये घर बैठी हैं आर्थिक तौर पर ये मजबूत हों, यही हमारा मेन मकसद है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो उसके बाद मेरे मन में आया कि इन महिलाओं को परेशानी हो रही होगी, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, तो मैंने उनसे बात की कि आपको मैं मास्क बनाने का काम देती हूँ, तो आपको उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे ताकि आप आर्थिक तौर पे मजबूत बन सकें। तो कुछ महिलाओं को हमने राशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जिसकी जैसे ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, अब तक कई राजनीतिक पार्टियाँ समेत कई अन्य समाजसेवी भी आगे आए हैं जो इन महिलाओं से मास्क बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी इस मुहिम में 20 महिलाएं जुड़ी हैं जो प्रतिदिन करीब 2000 मास्क बनाकर देती हैं और अब तक करीब 10,000 मास्क बनाए जा चुके हैं। मास्क बना रही महिलाओं ने बताया कि लॉकडाउन के बाद सारे काम धंधे बंद हो चुके थे जिससे उनके लिए घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब NGO की सहायता से वे लोग घर पर ही काम कर रहे हैं जिससे वे अपने घर चलाने के लिए खर्चा भी निकाल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, घर वाला घर में बैठा, काम है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा, इसलिए ये काम मिला जब से हम, तो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम इनको बड़ा धन्यवाद करते हैं, हमारे को घर बैठे काम मिला। घर में कोई करने वाला आदमी है नहीं, मेरा हाथ इसकी तब तो अभी 4 साल हो गई, एक मेरी बेटी है, एक मेरा दोस्त था, हम 3 मेम्बर, बहुत अच्छा हो गया। ये पूजा मैडम ने देने ये काम दिया, थोड़ा इससे गुजारा कर रहे हैं।